अच्छा दिखता है, हिलता है ज्यादा, सामने जाइए। राजा का एक्टिंग शुरू होगा तब ना। महामाया आदत का एक्टिंग मंत्री आदित्य राज सिंह। Hello everyone, myself Kunal Gupta. I am acting as Yamdut. Hi, I am Malika Prasta, acting as Deva. Bitu. एक ऐसे प्रिंस की है जिनका नाम अभिमान सिंह है। उनको अपनी तारीफें सुनना बहुत पसंद है, पर वो ऐसे काम नहीं करते हैं कि वो जनता उनकी तारीफ करे या फिर उनके मंत्री या फिर सेवक। फिर भी वो इतना खौफ बनाए रखते थे कि डर से सभी लोग उसकी तारीफ करते। तो सभी आगे देखिए कैसे ये ड्रामा प्रस्तुत करते हैं बच्चे। पहले दृश्य में दरबार सजा हुआ है, तभी राजा का प्रवेश होता है। हल्ला नहीं करेगा। दरबार में राजा अभिमान सिंह अपने मंत्री से कुछ सवाल करते हैं। चलो सर बैठो, चलो बैठो जल्दी बैठो। क्यों मंत्री जी, हमारे विषय में प्रजा की क्या राय है? महाराज, प्रजा आपसे बहुत खुश है, छोटे बड़े सभी आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके सच्चाई दया और भलाई को बढ़ा कौन भूल सकता है। फिर वो अपनी रानी से सवाल करते हैं। रानी, आप हमारे बारे में क्या सोचती हैं? सच सच बताइए। महाराज, आपके जैसे राजा पूरे विश्व में कोई नहीं है। फिर यही सवाल वो अपने पंडित गुणगानी से करते हैं। गुणगानी जी, आप हमारे बड़ाई के गीत तो रोज रोज गाते हैं, पर आज सच सच बताइए मैं आपको कैसा लगता हूँ? अंधाधुन कभी आपकी झूठी बढ़ाई नहीं करता। आप इस आपके एक एक गुण की प्रशंसा पर एक एक पुस्तक लिखी जा सकती है। आप ऐसे भी रहे कि जब आपको डगमगाने लगते हैं, हिमालय थरथराने लगता है और कृष्णा की पीठ पर छाले पड़ जाते हैं। लक्ष्मी तो आपकी आंखों में रहती है, सरस्वती तो आपकी जीत बिना बजाती है, आपके परसों से चंद्र सूर्य चमकते हैं। यदि आप ना हो तो सब जगह अंधेरा ही अंधेरा फैल जाए। महाराज, आप तो बस है। इसका मतलब मुझे अभी बहुत वर्षों तक राज करना चाहिए। इसके बाद सब चले जाते हैं और दूसरे दृश्य में राजा अपने पलंग पर लेटे हुए हैं, तभी एक यमदूत का प्रवेश होता है। राजा उसे देख कर गुस्से से सवाल करते हैं। तुम कौन हो? तुम मेरे महल में इस तरह कैसे घुस आए? मैं यमदूत हूँ, मुझे यमराज ने भेजा है, मैं तुम्हें नर्क ले जाने के लिए आया हूँ।
अरे यमदूत, जय यमराज को नहीं मालूम कि मैं पृथ्वी का प्रजापाल हूँ। मेरे चलने से पृथ्वी डोलती है, मेरे कृपा से लोग मालामाल हो जाते हैं। यदि मैं ना रहूंगा तो यहाँ का काम कैसे चलेगा? सबकी देखभाल कौन करेगा? अब तुम भागो यहाँ से, नहीं तो मेरे पहरेदार तुम्हारे हाथों में हथकड़ी पहनाकर तुम्हें काल कोठरी में डाल देंगे। अच्छा तो तुम मुझे ईश्वर, मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाला नहीं, मैं यमराज का दूत हूँ, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। अब तुम्हें जो करना यमराज से ही जाके कहना। अरे द्वारपाल जयपाल को ये दौड़ो, ये दोस्त हमारे प्राण लिए जा रहा है, रोको इसे, तलवार लेकर दौड़ो। अरे चुप रहो, तुम्हारा आवाज कोई नहीं सुन सकता, तुम्हारा चिल्लाना बेकार है, संसार में तुम्हारा कोई जरूरत नहीं, तुम संसार के लिए मर चुके हो। नहीं, ये बात नहीं है, मेरी प्रजा मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे बिना वो अनाथ हो जाएगी। आप मेरी बातों को सच मानिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको बहुत बड़ी जागीर दूंगा। अच्छा तो तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो? अब चलो 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 दूतराज, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, पर आप मेरी बातों को सच मानिए, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे ना रहने से राज्य का सारा कामकाज बिगड़ जाएगा, सब लोग समुद्र में कूद कर अपनी प्राण दे देंगे, प्रजा अनाथ हो जाएगी। या तुम सोचते अपने मुंह मियां मिठू बनने से कुछ नहीं होता, अगर तुम्हारे मानने से तीन आदमी भी दुखी होते तो मैं तुम्हारी प्रार्थना मांगकर तुम्हें कुछ दिन और धरती पर रहने देता। आप विश्वास कीजिए, मेरे ना रहने से प्रजा बहुत दुखी होगी, चाहे तो परीक्षा लेकर देख लीजिए। अच्छा बताओ, मैं किन किन लोगों से पूछूं कि उन्हें तुम्हारी जरूरत है या नहीं? आप रानी गुणगानी भाट और मंत्री जी से पूछकर देख लें। अच्छा तुम सांस रोक कर पड़े रहो, मैं तुम्हारे ऊपर एक चादर डाल देता हूँ, मैं धर्मराज का रूप धारण कर लेता हूँ ताकि वे सब सच सच बोले। बोलो स्वीकार है तुम्हें? स्वीकार है। इस तरह यमदूत राजा के ऊपर एक चादर ढक देता है और लिटा देता है। इसके बाद रानी को बुलवाता है। रानी का प्रवेश। हे महारानी, ये आपकी पति, ये आपके पति का शव है, क्या आप चाहती है कि मैं इन्हें जिंदा कर दूं? नहीं नहीं महाराज, मैं तो इससे बहुत परेशान थी। अच्छा है, अब मेरा बेटा राजा बनेगा और मैं राजमाता कहलाऊंगी। आप जाइए। फिर वो अपने मंत्री को बुलवाता है, मंत्री का प्रवेश। कहिए प्रभु, क्या आ गया? राजा का शव देख रहे हो? कहने की चार दिन संसार में रहना चाहिए। महाराज, मैं तो इनसे परेशान हो चुका था, ये तो मेरी बातें नहीं सुनते थे, बस अपनी ही कहते रहते थे, खुद तो पागल थे ही, मुझे भी पागल बना दिया था। अच्छा तुम जाओ, पंडित गुणगानी को भेजो। जय हो महाप्रभु। तुम राजा के भाग अब ये संसार में नहीं रहे, तुम उनके बढ़ाई में दो सब कह दो। क्या कहे प्रभु, राजा कैसा घमंडी था कि पूछो मत, अपनी झूठी प्रशंसा से फूला रहता था, हम तो झूठी प्रशंसा करते करते थक गए। अच्छा हुआ जय, अब हमें और झूठ ना बोलना पड़ेगा। सुन लिया अपने कानों से सब कुछ, अब चलो सीधे नर्क की ओर। Thank you.